आई एस एल एम में से सिर्फ आई एस करव जो है वो वो चेंज होगा गया देर विल बी नो चेंज इन द एल एम करव और इसी तरह से जो एफ ई लाइन हमारी थी उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी नोट दैट वी डोंट यूज़ द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल बिकॉज वी नीड टू नो दैट वॉट हैपन्स टू द रियल इंटरेस्ट रेट विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट आई एस एल एम मॉडल के इक्वेलेंट ही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल है दोनों के नतीजे में एक ही तरह के दोनों प्रेम के नतीजे में एक ही तरह के हम हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बजाय आई एस एल एम मॉडल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से क्या चेंजेस आएंगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो इम्पेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को द आई एस कर्व इज अफेक्टेड बिकॉज नेट एक्सपोर्ट्स आर पार्ट ऑफ द डिमांड फॉर गुड्स आई एस कर्व ओपन इकानी में क्यों चेंज हो जाएगा आई एस कर्व आपको याद होगा वो क्या था ये एक था गुड्स मार्केट ठीक है तो गुड्स मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई तो डिमांड के जब क्लोज इकॉनोमी में हम थे तो डिमांड के तीन कंपोनेंट थे कंजम्पशन परपज के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी तो ओपन इकॉनॉमी में अब एक उसमें फर्दर कंपोनेंट uh, उसमें ऐड हो जाएगा दैट इज़ एक्सपोर्ट्स यानी फॉरनर्स भी हमारे मुल्क में जो प्रोड्यूस होने वाली गुड्स हैं उनकी डिमांड uh, कर रहे हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स सो इसलिए आई एस कर्व ओपन इकोनॉमी में चेंज हो जाएगा द आई एस कर्व रिमेन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग अभी हम देखेंगे कि जैसे क्लोज इकोनॉमी में आई एस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था इट विल रिमेन डाउनवर्ड स्लोपिंग इन ओपन इकोनॉमी

कि हर वो फैक्टर जिसके नतीजे में नेट एक्सपोर्ट में कोई तब्दीली वाकई आती है तो वो भी आई कर्व को शिफ्ट करने का सबब बनेगा फैक्टर्स डेट इंक्रीज नेट एक्सपोर्ट शिफ्ट द आई कर्व अप एंड टू द राइट नेट एक्सपोर्ट में इजाफे का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट्स में फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट में इजाफ़ा हो गया ना ठीक है हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो गई हैं तो ओबियसली एक्सपोर्ट्स मैंने आपको बताया कि ये आपकी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड है तो इसमें इजाफे के नतीजे में आई एस कर विल शिफ्ट आप एंड टू द राइट फैक्टर्स डेट डिक्रीज नेट एक्सपोर्ट शिफ्ट द आई एस कर डाउन एंड टू द लेफ्ट सो द गुड्स मार्केट एक कंडीशन के क्लोज मार्केट में तो आपको याद होगा कि डिजायर्ड सेविंग और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी जो थी वो उसको क्लियर कर देती थी मार्केट की तो अब चूंकि थर्ड कंपोनेंट उसमें शामिल हो गया नेट एक्सपोर्ट्स

लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं और इन्वेस्टर जो है वो लेस डिमांड कर रहे हैं तो ये जो एक्सेस सेविंग है ये फिर क्या होगा ओपन इकानोमी में ये फिर हम चाहेंगे कि हम इसे दूसरे मुल्कों को उसकी लैंडिंग हो तो दिस दिस अमाउंट द अमाउंट डेट फॉरनर डिजायर्स टू बारो फ्राम डोमेस्टिक रेजिडेंट्स तो ये वो अमाउंट है अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो ये वो अमाउंट है जो हम लैंड करना चाह रहे हैं बाकी दुनिया को और नेट एक्सपोर्ट्स क्या नेट एक्सपोर्ट भी अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है तो दूसरे मुल्क के लोग हमसे ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और हम उनसे कम खरीद रहे हैं तो वो जो डिफरेंस क्या होगा वो ज़ाहिर है वो डिफरेंस फिर हमसे वो बारो करेंगे तो उस उस डिफरेंस को फाइनेंस करने के लिए तो इक्विलिब्रियम की फिर क्या कंडीशन बनी कि जो हम लैंडिंग करना चाह रहे हैं वो जो दूसरे मुल्क के लोग हमसे बारो करना चाह रहे हैं इट शुड बी इक्वल इसी इक्वेशन को अगर आप ये ये वैल्यू है डिज़ायर्ड सेविंग की किसके इक्वल होगा वाई माइनस डिज़ायर्ड कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ये वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे एस टी की इस में तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी ये सिंपल इक्वेशन वही है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर दिस इज़ द एग्रीगेट सप्लाई एंड द राइट हैंड साइड दिस इज द एग्रीगेट डिमांड डिमांड के कंपोनेंट क्या है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नाउ द एडिशनल कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स सो दिस मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स इक्वल्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड इज डराइव यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ नेशनल सेविंग सो ओपन इकोनॉमी आई एस हम ड्रा करना चाह रहे हैं तो हम ये वाला कर्व ड्रा करेंगे द डिफरेंस बिटवीन डिज सेविंग एंड डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी फिर हम नेट एक्सपोर्ट्स का कर्व ड्रा करेंगे और फिर इनके इंटरसेक्शन जो है दिस विल डिटरमिन द इक्विलिब्रियम सो इस डायग्राम में अगर आप देखें ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है औरटल एक्सेस पर आप डिफरेंस ले रहे हैं बिटवीन डिज़ायड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का और नेट एक्सपोर्ट ओके और वर्टिकल एक्सेस पर डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं सो ये जो हमारी डिजायट सेग और डिज़ायर इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट वाई बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा होगा तो हम जानते हैं कि सेविंग में इजाफा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी सो so ये डिफरेंस जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड वाइस वर्सा और इसी तरह नेट एक्सपोर्ट्स का इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है ये भी हम समझ चुके हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है इसलिए कि जब इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा होता है तो हमारे फाइनेंशियल और रियल एसेट्स जो हैं ये फॉरनर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं वो उनकी डिमांड में इजाफा करते हैं उनकी डिमांड में इजाफे के नतीजे में हमारी करेंसी अप्रिसिएट कर जाती है और अप्रिसिएट करने के नतीजे में हमारी नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं ओके सो देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप सो ये वो इक्लिपियम पॉइंट है आर वन इंटरेस्ट रेट है जिस पर ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये होल्ड करती है तो और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर बहुत कम है तो ये ये ज़ीरो इसका मतलब इस तरफ वैल्यूज़ नेगेटिव है और इस तरफ वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो लो इंटरेस्ट रेट पर आपका ये जो डिफरेंस है बिटवीन डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये नेगेटिव है और इसी तरह आप देखेंगे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर आपकी नेट एक्सपोर्ट जो हैं आर इन द नेगेटिव क्वाड्रेंट सो नेट एक्सपोर्ट्स कैन भी पॉजिटिव और नगेटिव अभी मैंने आपको बताया ठीक है बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो नेट एक्सपोर्ट का जो कर्व था वो नेगेटिव क्वार में था द नैट एक्सपोर्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज अ राइज इन द रियल इंटरेस्ट रेट इनक्रीजिज द रियल एक्सचेंज रेट एंड रिड्यूस द नेट एक्सपोर्ट्स इसी तरह से द डिफ्रेंस है बिटवीन सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग सो बिकॉज अ राइज इन द रियल इंटरेस्ट रेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आपकी डिजायर्ड नेशनल सेविंग को इंक्रीज कर देगा और इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा सो इक्लिब्रियम इनकी इंटरसेक्शन से डिटर्मन हो जाएगा सो टू गेट द ओपन इकोनॉमी आई एस कर वी नीड टू सी वाट हैपन्स वैन डोमेस्टिक आउटपुट चेंजेस सो इस डायग्राम से हमें ये बात कि ये आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कर्व है वन ओके okay? और ये आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स का कर्व है और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो कि आर वन इंटरेस्ट रेट है ठीक है ये ये एक इनकम लेवल है वाई वन अगर इनकम में इजाफा हो जाता है वाई वन के बजाय वाई टू इसके इजाफे के नतीजे में क्या हो जाएगा सेविंग बढ़ेगी ठीक है सेविंग के बढ़ने से सेविंग कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा फ्राम वन टू टू राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और जब इनकम बढ़ेगी तो हमने देखा था कि नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी लोग इनकम बढ़ेगी इंपोर्ट्स लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकेंगे ठीक है और उसके नतीजे में नेट एक्सपोर्ट तो एस माइनस आई का जो कर्व है वो राइट पर शिफ्ट हो रहा है ये वाला बन गया और नेट एक्सपोर्ट्स का कर्व लेफ्ट लेफ़्टर शिफ्ट हो रहा है तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा एफ़ इंटरेस्ट रेट ये इंटरसेक्शन पॉइंट शो करता है कि अब इंटरेस्ट रेट में कमी वाकई होगी तो इसको Y2 के साथ जब आप जिस लिंक करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिवली स्लोप डाइज कर्व आ गया जब इनकम में इजाफा हो रहा है तो गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन के मुताबिक इंटरेस्ट रेट में कमी वाकई हो रही सो हायर आउटपुट इनक्रीज सेविंग सो द एस माइनस आई कर शिफ्ट टू द राइट ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हायर आउटपुट रिड्यूस नेट एक्सपोर्ट सो द एन एक्स कर विल शिफ्ट टू द लेफ्ट देन इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अकर्स एट अ लोअर रियल इंटरेस्ट रेट सो द दर्विस डाउनवर्ड स्लोपिंग थैंक यू वेरी मच